निकलते कई बार देखे होंगे, लेकिन हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम के फर्रुख नगर में देश के पहले ग्रेन एटीएम की शुरुआत की है। इसे अन्नपूर्ति नाम दिया गया है। अन्नपूर्ति भारत में ही निर्मित देश का पहला ऐसा ग्रेन एटीएम है जिससे राशन डिपो पर जाकर कोई भी कार्ड धारक अपने आधार कार्ड या राशन कार्ड की डिटेल दर्ज कर इस मशीन से राशन डिपो पर मिलने वाला राशन प्राप्त कर सकता है। सरकार ने अपने पायलट प्रोजेक्ट के तहत देश का पहला ग्रीन एटीएम गुरुग्राम के फर्रुख नगर राशन डिपो में लगा दिया है। अब राज्य के अन्य शहरों में भी ग्रीन एटीएम लगाए जाएंगे। जानकारी के अनुसार इस एटीएम से एक मिनट में 10 किलो तक अनाज निकाला जा सकता है। ग्रीन एटीएम की सुविधा से अब राशन डिपो पर ना तो लंबी लाइनें लगेंगी और ना ही राशन कम मिलने की शिकायत रहेगी, और साथ ही साथ ग्रीन एटीएम लगने से अब सरकारी दुकानों पर लगने वाला समय और पूरा माप ना मिलने की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इससे जनता के साथ साथ सरकार को भी फायदा होगा। अब सरकारी डिपो पर अनाज घटने की समस्या भी खत्म हो जाएगी। ये ग्रीन फूड एटीएम है और ये जो हमारी POS डिवाइस हैं उन्हीं के उसी से कनेक्ट है और उसी के साथ ही चलती है। जैसे कोई कार्ड धारक अपना राशन लेने आता है तो अपना कार्ड मशीन पे देगा और मशीन पे अपना अंगूठा लगाएगा, बायोमेट्रिक लगाएगा, और उसके बाद वो जो उसका सामान है वो इसमें शो हो जाता है, और शो होने के बाद क्वांटिटी इसमें हम उसके नीचे कट्टा लगा देते हैं और इसमें वो आ जाती है। ग्रेन एटीएम मशीन से गेहूं, बाजरा और चावल निकालने की प्रक्रिया को शुरू किया गया है। अगर ये ग्रेन एटीएम मशीन सफल परिणाम लाती है तो प्रदेश भर के राशन डिपो पर इसी तरह की मशीनों को लगाया जाएगा। सरकार का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को आसानी से सुविधाजनक तरीके से पूरा राशन मिल सके और उन्हें राशन के लिए लंबी लाइनों में ना लगना पड़े। सर, ये फूड एटीएम ये अपने उसके अपने यूनाइटेड नेशन की तरफ से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत में लगाई गई है, और ये एक प्रकार से एटीएम की तरह काम करती है, जैसे बैंक के एटीएम उसी टाइम काम करती है। ये POS डिवाइस से कनेक्टेड होती है जिसमें कार्ड धारक आएगा, उसका कार्ड राशन कार्ड नंबर दर्ज करेंगे और बायोमेट्रिक से वो गुठा टेकेगा। गुठा लगने के बाद उसकी जो पूरी डिटेल्स है तो उसका राशन जो बनता है सरकारी हिदायतों अनुसार वो यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। इस डिस्प्ले के नीचे फिर वो अपना वो बैग लगा देगा और उसके नीचे वो उस ऑटोमेटिकली उसका जो भी राशन बनता है वो बैग के अंदर भर जाएगा और इसके बाद वो अपना राशन ले जा सकता है। तो मात्रा पूरी इसमें दर्शाई जाती है? इसमें मात्रा सर बिल्कुल सामने दर्शाई जाती है, वो क्लियर कट वो उसको जो इसमें मशीन पर पता होता है कि कितने की मात्रा आ चुकी है, जो कि हमने टेस्ट भी किया है जो कि एक्यूरेट है। सरकारी राशन वितरण प्रणाली में आए दिन आने वाली शिकायतों के निवारण के लिए हरियाणा सरकार द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ये नई शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य राइट क्वांटिटी टू राइट बेनिफिशियरी है, और अगर ये सफल रहता है तो आने वाले दिनों में पूरे हरियाणा में इसे लागू करने को लेकर सरकार की योजना है। पंजाब की सीटीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।